सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और वैसे ना दो के ऑल सेट रेडी, गौतम भाई भी आ चुका है, हम दोनों रहते हैं साथ साथ। तो गाइस, आ रहा है 15 अगस्त के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और करीबन अपने देश के जितने भी आज़ाद कराने में जिनका भी रोल रहा है, उन्होंने 200 वर्ष तक, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी 200 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और सन 1942 में जो कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, उसके बाद में 1946 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को ओवरऑल हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी थी। और सर्वप्रथम इस राष्ट्र ध्वज को 15 अगस्त 1947 के दिन अपने लाल किले पर फहराया गया था, और उसके बाद में आप सभी लोग देखते हो कि हमें 75, और ब्रिटिश सरकार ने भी हमें मान्यता दे दी थी, और उसके बाद में आज अपने देश को पूरे 75 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। और 75 साल के बाद में आज फिर से अलग अलग जगह पर अपना प्रोग्राम मनाया जाता है, और देश का, और अपना देश, और अपना जो दिल्ली के अंदर लाल किला है वहाँ पर अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है अलग अलग, जो कि हमारे राष्ट्र ध्वज के अंदर 3 कलर होते हैं। उसके बारे में गौतम भैया से पूछेंगे कि कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक है, मतलब बेसिक से थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन हैं, तो इंडिया की राष्ट्र ध्वज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। तो पूछते हैं अभी, तो गौतम भैया बताओ केसरी रंग किस चीज़ का प्रतीक है? केसरी रंग होता है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। सो गाइस, अभी सफ़ेद कलर के बारे में पूछते हैं, सफ़ेद कलर किस चीज़ का प्रतीक है? सफ़ेद कलर होता है वो अपने शांति का प्रतीक होता है, और उसके बाद में अपना जो हरा कलर है वो अपनी खुशहाली और हरियाली का प्रतीक होता है। हाँ सही बात है, ओवरऑल 3 कलर है, तीनों अलग अलग चीज़ के प्रतीक है। उसके बाद में अशोक चक्र जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, ओवरऑल बेसिक नॉलेज तो यही था। तो आप अपने हमें इंडियन होने पर प्राउड है, बस यही बोलना चाहूँगा। तो स्वतंत्रता दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं अपने स्कूल के अंदर, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोग्राम दिखाएंगे, और कहाँ और कहीं पे जा रहे हैं तो वह भी दिखाएंगे। तो निकलते हैं पहले घर से। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, टीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी।
नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वाह बेटा भाई साहब कुछ मुझसे बोलो। अरे तुम आज के बताओ मौत होगी किसी की।